हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे ओट्स ड्राई फ्रूट्स पकौड़े। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है पकौड़ों की। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि ओट्स ड्राई फ्रूट्स पकौड़े के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओट्स लिया हुआ है 1 कप। इसके साथ ही मैंने 1 प्याज को बारीक कट कर लिया है। 1 छोटा सा आलू लिया है, उसको भी मैंने बारीक कट किया है। 2 मिर्ची ली है, 1 टमाटर को बारीक कट किया है और मैंने 4 काजू और 4 बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहो तो बादाम या काजू जो आपको पसंद हो से वो भी डाल सकते हो, या काजू नहीं पसंद है तो आप काजू को स्किप भी कर सकते हो। साथ ही में आप कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें बारीक बारीक करके ऐड कर सकते हो। आलू, अगर आपको आलू मना है या फिर आप डायबिटीज है आपको, तो आलू भी आप स्किप कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। जो वेजीज आपको पसंद आए वो आप इसमें डाल सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है और बहुत ही यम्मी भी होती है। जब आपको वेट लॉस करना हो और कुछ चटपटा खाना हो, सादा खा के बोर हो जाओ, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली जो पकौड़े बनते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है और वो हेल्दी भी नहीं रहता हमारा, लेकिन ये हमारा पूरी तरह से हेल्दी है क्योंकि इसमें तो ओट्स है और साथ ही में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हमारे लिए अच्छा ना हो। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, आप चाहो तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना तीखा पसंद है। साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच जो है वो अमचूर का पाउडर लिया है, ये मैं खट्टापन लाने के लिए इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह पे नींबू का रस भी यूज कर सकते हो। नींबू का रस नहीं है तो आप इमली का पानी भी यूज कर सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल दो, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है गाइस। तो बस यही सब चीज़ें हमें लगने वाली हैं, फ्राई करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको मैं कैसे करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने ओट्स को जो है हल्का सा भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे हम अपने ओट्स को भून लेंगे, इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। तब तक इसको चलाते रहेंगे, ओट्स को चलाते रहिएगा, छोड़ मत दीजिएगा गैस पे, वरना ये इसे पकड़ लेगा। फ्रेंड्स, इसको चलाते रहिए और हल्का ब्राउन होने तक इसको हम चलाते रहेंगे। ऐसे ही 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का ब्राउन होने में। ये देखिए हमारा ओट्स जो है वो कलर चेंज कर चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट पे और ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जो ओट्स था उसको मैंने ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है इस तरह से, पूरा बारीक उसको पीस लीजिएगा। अब हम इसमें अपने सारे वेजीज और मसालों को डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, मिर्ची, आलू, टमाटर, हमारे ड्राई फ्रूट्स, इन सबको मिक्स करेंगे। देख रहे हो आप, अब हम इसमें अपने जो भी नमक जीरा सब है इन सबको भी उठा के दिया। मैंने जीरा डाल दिया, आमचूर पाउडर भी डाल दिया और लाल मिर्च पाउडर, बस इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, जैसे हम पकौड़ों के लिए रेडी करते हैं बेसन का गोल, वैसे ही इसको रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी और मिक्स करते जाएंगे। नहीं पड़ेगा बस इतना कि ये बाइंड करने लगे, हमारा तलने के लायक हो जाए इतना पानी हम डालेंगे। ये देखिए हमारा जो पकौड़ों का बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब बस इसको 10 मिनट के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे। आफ्टर 10 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए
देखिए मैंने कढ़ाई में कितना कम तेल लिया है, मैंने रिफाइंड लिया है और बहुत ही थोड़ा सा लिया। अब चारों तरफ इसको ऐसे अच्छे से कर लेंगे। अब इसी में हम अपने पकौड़ों को, आप देख सकते हैं छोटे छोटे पकौड़ों को मैंने बनाया है, अब मैं इसमें ऐसे डाल दूँगी। बहुत बड़े बड़े मत कीजिएगा गाइस, वरना ये अच्छे से पकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तेल जो है वो बहुत ही कम है, हम बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं। ऐसे ही सारे पकौड़ों को हम डाल, ये देखिए छोटे छोटे पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तीन तरह से मैं आपको आज बताने वाली हूँ, एक तो कम तेल में कढ़ाई में कैसे आप कर लोगे इसको फ्राई, दूसरा है कि थोड़ा सा ज़्यादा तेल करेंगे और डीप फ्राई करेंगे, तीसरा है कि हम आपको बताएंगे कि तवे पे जो है वो कैसे आप इसको सेकोगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे पकौड़ों को पलट दिया है, अब इनको भी अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि ये हम बहुत ही कम तेल में पका रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज अगर आप इनको डीप फ्राई करते हो तो ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएंगे। मैं आपको डीप फ्राई करके और तवे पे भी सेक करके बताऊंगी कैसे बनेगा, पर उलट पलट के हम चारों तरफ इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देख रहे हो आप। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि डीप फ्राई करके कैसे हम पकौड़ों को बना सकते हैं। ये देखिए सेम कढ़ाई मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लिया है, अब के लिए भी बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है मैंने, थोड़ा सा ही लिया है। और इसको अभी हम तेल गर्म होते ही मैं इसमें अपने पकौड़ों को डालूंगी। अभी भी आपको बहुत बड़े बड़े पकौड़े नहीं डालने हैं, क्योंकि हम मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, बस पहले से थोड़ा सा ज़्यादा किया है। छोटे छोटे पकौड़ों को आप यूँ डालते जाइए। ये देखिए छोटे छोटे पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। फिर 1-2 मिनट लगे थे मेरे उस पकौड़े को होने के लिए, 4-5 मिनट इसको भी लगेंगे, तो बस एक साइड होगा। देखिए ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का, अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हमारे पकौड़ों का रंग जो है वो कलर पूरी तरह से चेंज हो रहा है, अब बस 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स पकौड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि तवे पे कैसे इसको सेक करके कैसे बनाएंगे। तवे पे मैंने 1 चम्मच तेल डाला है और इसको अच्छे से चारों तरफ कर लेंगे। अब हम इसे, तेल हमारा देखिए गर्म हो चुका है, छोटे छोटे इस तरह से टिक्की की शेप में हमने इसको बना लिया और यहाँ रख देंगे। देख सकते हो आप छोटे छोटे, ये देखिए। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे नीचे से, अच्छे से ये ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसको हम पलटेंगे। ये देखिए गाइस हमारा जो टिक्की था मैंने उसको पलट दिया है, कितने अच्छे से ब्राउन हो चुका है। और सेकेंड साइड भी इसको हम ऐसे ही ब्राउन कर लेंगे, उलट पलट के अच्छे से इसको पकाएंगे जब तक ये पूरा क्रंची नहीं हो जाता। ये देखिए दोनों साइड से हमारे जो टिक्की हैं या पकौड़े जो भी आप बोलो वो अच्छे से सेक चुके हैं। अब हम इनको साइड से भी ऐसे धीरे 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 धीरे, वैसे ये गर्म रहता है बहुत ही संभाल के करिएगा, दिख रहा है आपको, साइड से इसको थोड़ा सा ऐसे से करेंगे जिससे कि इसका साइड से भी जो कच्चापन है दूर हो जाए। अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हो तो चिपटे वगैरह किसी की हेल्प से कर लो, मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 1 मिनट इसको और होने देते हैं और फिर इसको हम निकालेंगे प्लेट में। ये देखिए हमारी टिक्की अच्छे से हो चुकी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे तीनों तरह के पकौड़े रेडी हैं। ये मैंने तवे पे किया था, आप देख सकते हो कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये मैंने जो कम ऑयल में किया था वो है, और ये मैंने थोड़ा सा जो ज्यादा तेल लेकर के किया था ऑयल उसमें है। ज्यादा फर्क नहीं होता है, अगर आपको तेल से प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ तवे पे ऐसे भी कर सकते हो, 1 चम्मच तेल में ये हो जाता है। अगर आपको ऑयल से दिक्कत नहीं है तो आप अच्छा खासा तेल डाल के भी इसको फ्राई कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा ड्राई फ्रूट्स ओट्स के पकौड़े आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।